बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया स्टेट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने अभी अभी जो पेपर शुरू किया है एलडीसी का, ये पेपर 7/10/2020 को, यानी आज ही ये पेपर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हो चुका है। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और अभी पार्ट टू अपलोड कर लेता हूँ। आज का पार्ट जो है पाकिस्तान स्टडीज का है। पहले पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखिए पार्ट सेकंड को। पार्ट सेकंड जो हमारे पास है ये पाकिस्तान स्टडीज का है। पाकिस्तान स्टडीज क्वेश्चन नंबर वन देखिए, दिस वन, बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ पहली जंग आजादी कब लड़ी गई? तो ये जंग आजादी 1857 में, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर टू जो है, दिस वन, अल्लामा इकबाल के उस मजमुए का नाम बताएं जिसे उन्होंने ऐलानी जंग करार दिया था। ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में गुजरे हुए पेपरों के मुकाबले में मुश्किल है। जिस तरह के वीडियो नंबर वन में मैंने आपको बताया था कि आज का पेपर दूसरे पेपरों के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल पेपर है। इसमें ये एक दो तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये मुश्किल तरीन क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन नहीं हैं। वन नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है, लेकिन ये दो नंबर क्वेश्चन काफी मुश्किल है। ये मुश्किल इस लिहाज से नहीं है, इस लिहाज से मुश्किल है कि ये क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू जो है ना, मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं किसी भी वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने हल नहीं कराया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जरबे कलीम। इस तरह क्वेश्चन नंबर तीन जो है, पहली जंग अजीम के दौरान मुसलमानान बरसगीर ने मकामात मुकद्दसा की हिफाजत के लिए कौन सी तहरीक चलाई? ये क्वेश्चन भी काफी मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसमें अगर किसी को हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता है तो वो तो कर सकेगा, अदरवाइज तुक्का लगाया होगा सब दोस्तों ने। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें, तहरीक खिलाफत। और इस तरह क्वेश्चन नंबर चार जो देखे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि तकरीबन हर क्वेश्चन में ये रिपीट हो रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात कब पेश किए थे? 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया, और नेहरू ने काफी कोशिश की कि कायदे आज़म और उनके साथियों को इस नेहरू रिपोर्ट के पर कायल करें, लेकिन दो चार नुकात पर इख्तलाफ पैदा हुआ था। तो उसके जवाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 नुकात पेश किए थे, और इन 14 नुकात की तैयारी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसकी मदद की थी। ये आई थिंक सो, मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरह है। क्वेश्चन नंबर पांच थे के पाइप नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बार बार किस पेपर में आ रहा है। हड़प्पा के कंडरात पाकिस्तान के किस जिला में है? जिला साहिवाल में है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स थे के 12 मार्च 1949 को करारदादी मकासद किसने असम्बली में पेश किए थे? लियाकत अली खान ने पेश किए थे, और इसका मकसद आइन साजी के तरीकाकार को तेज करना था, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेवन, मशरकी पाकिस्तान बंगाल जिसको आप कहते हैं कब अलाहिदा हुआ था पाकिस्तान से? 1970 में इलेक्शन हुए थे तो बंगाली जो खड़े थे लीडर, उसने ज्यादा सीट हासिल किए थे। फिर इस कश्मकश में पीपल पार्टी के साथ रहे तो 1971 में जंग भी हुआ था, और 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलाहिदा हुआ और उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। क्वेश्चन नंबर आठ देखे, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके कहाँ किए थे? चाही के पहाड़ों में, कोही चाही बलूचिस्तान में है, और ये भी इंडिया के धमाकों के जवाब में किए थे। क्वेश्चन नंबर नाइन देखे, क्वेश्चन नंबर नाइन, पाकिस्तान स्टील मिल कराची में किस मुल्क के ताउन से कायम की गई थी? रशिया के ताउन से कायम की गई थी,
और आज आखिरी क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। पाकिस्तान में अराकीन कौमी असेंबली की तादाद 342 है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।